हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्लोब का क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला जो है वो टिक द करेक्ट आंसर है, तो आप बेहतर होगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप भी आंसर साथ ही साथ नोट डाउन करते रहें। पहला है द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, एशिया। अब दूसरा क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट इज, ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी मेरिडियन, ऑप्शन सी ग्रिड। इसमें से सही ऑप्शन क्या है बच्चों? कौन सी लाइन अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में? तो वो है इक्वेटर। तीसरा क्वेश्चन, द जीरो मेरिडियन इज कॉल्ड, जीरो मेरिडियन को और क्या कहते हैं हम सब? पहला है मेन मेरिडियन, दूसरा है इक्वेटर, तीसरा है प्राइम मेरिडियन। सही ऑप्शन क्या है इसमें बच्चों? प्राइम मेरिडियन। अब आते हैं हम बी नंबर पर, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फॉर द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसमें से जो राइट वर्ड है आपको इसमें चूज करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मोर देन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर डैश, इसमें से क्या हो सकता है? 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। सही ऑप्शन है 70%। दूसरा क्वेश्चन, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ डैश, इसका आंसर क्या होगा? एयर। तीसरा नंबर, द लॉन्गिट्यूड्स आर डैश इन नंबर, लॉन्गिट्यूड टोटल कितने नंबर्स हैं लॉन्गिट्यूड के? 360, 360 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। फोर्थ क्वेश्चन, द डैश इज पैरेलल एट 23.5 डिग्री साउथ, इसका आंसर क्या होगा? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है प्राइम मेरिडियन? ग्रीनविच से। करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, सी सेक्शन अब करने वाले हैं। पहला है इंडिया इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, क्या यह सही है? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इंडिया जो है ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन में लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन, द लैटिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या सही है? इसका आंसर देखते हैं चलिए, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, लैटिट्यूड इक्वल लेंथ में नहीं है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स हैं इक्वल लेंथ में। तीसरा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज अफ्रीका, क्या यह सही है? ये क्वेश्चन हमने उसमें भी कर चुके हैं इसके पहले वाले स्लाइड्स में। इसका सही आंसर क्या है? द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। फोर्थ क्वेश्चन, द साउथ पोल इज एट 66.5 डिग्री साउथ, क्या यह सही है बच्चों? साउथ पोल कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री साउथ में। इसका सही आंसर होगा द अंटार्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री साउथ। सी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल, पैरेलल और किसे कहा जाता है बच्चों? लैटिट्यूड्स को कहा जाता है पैरेलल्स, ना कि लॉन्गिट्यूड्स को। इसका सही आंसर होगा लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। डी नंबर, डिफाइन। अब कुछ टर्म है, टर्मोलॉजी है, उसे उसका डिफाइन अब देखने वाले हैं। जो पहला है एक्सिस, एन ए इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस किसे कहते हैं बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। लैटिट्यूड, द इमेजिनरी लाइन्स विच आर पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तीसरा लॉन्गिट्यूड्स, द इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। टॉपिक ऑफ कैंसर, अ लाइन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम सबसे लास्ट वाले सेक्शन में आ चुके हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर अब हम करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ शेप इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर, अर्थ कैसा शेप में? स्फेयर के शेप में, ना कि सर्कल के शेप में। दूसरा, हाउ मेनी कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर देयर इन ऑल, नेम देम, टोटल कितने महासागर हैं, महाद्वीप हैं, नेम देम।
देर आर सेवन कंटिनेंट्स एंड फाइव ओशियंस इन द वर्ल्ड। देखिए पहला जो है एशिया, फिर दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ अफ्रीका, सेवेंथ अंटार्कटिका। अब ओशियंस के नाम देखेंगे। पहला पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, फिर आर्टिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर साउथर्न ओशियन। हाउ इज ग्लोब यूजफुल? इसका आंसर है ग्लोब गिव्स अ करेक्ट एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस। वी कैन इजली सी अ प्लेस थ्रू अ ग्लोब। ग्लोब हमें एक सही और निश्चित जगह का एक इमेज देता है जो अर्थ सरफेस पर है, जो ग्लोब पर है, उसी के द्वारा हम सब आसानी से किसी भी जगह का प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के जो प्रॉपर्टीज हैं अब हम देखने वाले हैं। पहला है ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस एट द लैटिट्यूड्स एट 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड जो है लैटिट्यूड को 90 डिग्री पर क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे आपकी जो लॉन्गिट्यूड की जो दूरियां हैं वो डिक्रीज होंगी। लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क इन डिग्री एंड मिनट्स वेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्रीड? हाउ इज इट हेल्पफुल? द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज कॉल्ड ग्रीड। ग्रीड इज वेरी हेल्पफुल टू लोकेट अ प्लेस ऑन ए ग्लोब और ए मैप। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तब एक ग्रिड और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड बहुत ही मददगार साबित होता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको सही सही जवाब दे सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।